तो दोस्तों हम गए थे अहमदाबाद, जहां हमने ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन की रियलिटी चेक की। तो हमें क्या रिजल्ट मिला इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम है अहमदाबाद और ये है ओला का हाइपर चार्जिंग स्टेशन, और हमारा ये है ओला S1 Pro जिसमें अभी 15% बैटरी बची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 15% हमारी बैटरी बची है, और अब ओला स्कूटर को हम चार्ज लगाते हैं। ये है इसकी चार्जिंग गन, ये इसे चार्जिंग गन बोला जाता है। घर पे हम चार्ज करते हैं तो पूरा चार्जिंग होने में इसको पूरे 6 घंटे लगते हैं, पर यहाँ पर देखिए कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग हो जाएगा। अभी 6 बजे और 2 मिनट ही हुए हैं और 15% तक हमारी बैटरी है, और यहाँ पर बता रहा है कि 7 बजे और 5 मिनट तक ये 70% तक पहुँच जाएगी। तो बहुत ही फास्ट माना जाता है, क्योंकि घर पर अगर हम चार्ज करेंगे तो 100% 1 घंटे में होता है, तो 70% जाने में 3 घंटे तो लगते ही है, पर यहाँ पर 1 घंटे में ही 70% तक चला जाता है। और ये है इसका दूसरा चार्जिंग गन, और यहाँ पर ये इमरजेंसी स्टॉप चार्जिंग वाला पॉइंट है, इसे बटन दबाते हैं तो इमरजेंसी में चार्जिंग स्टॉप हो जाता है। और कुछ ज़्यादा नहीं है, ये चार्जिंग स्टेशन है, और ये इसका और ये सब खुला हुआ है, ये इसी का है चार्जिंग का जो पावर सप्लाई होता है, ये वो पावर सप्लाई है। ये गड़बड़ है बाबा। तो दोस्तों अभी आगे देखते हैं कि कितनी देर में कितना चार्जिंग होता है। अभी 6 बजे है तो कितना चार्ज होता है देखते हैं। तो दोस्तों इस साबरमती चार्जिंग स्टेशन पे तो हमारा स्कूटर चार्ज नहीं हुआ। ओला के डिस्प्ले पर तो बताता है कि चार्ज हो रहा है, पर चार्जिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहे थे। पर हमारा नसीब अच्छा था कि चार्जिंग स्टेशन के 1 किलोमीटर दूरी पर हमारे रिलेटिव रहते थे, तो हम उनके घर पे गए और उनके घर पर हमने 1 घंटा चार्ज किया। जब हमने चार्जिंग शुरू किया था तब 15% बैटरी बची थी, और आधे घंटे बाद 10% ज्यादा बैटरी चार्ज हुई थी, यानी कि 25% हमारी बैटरी चार्ज हुई थी। पर हमें जाना था 30 किलोमीटर और दूर, और टाइम भी ज्यादा हो गया था और रात भी हो चुकी थी, तो हम रिलेटिव के घर पे ज्यादा नहीं रह सकते थे। और हमें पता चला कि 4 किलोमीटर की दूरी पर एक और हाइपर चार्जिंग स्टेशन है, तो हम वहां के लिए निकल गए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां ऑलरेडी 2 स्कूटर चार्ज हो रहे थे। तो आधा घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया। मेहनत करने के बाद अब हमारा ओला स्कूटर चार्ज हो रहा है। हमने साबरमती जो चार्जिंग स्टेशन था वहां पर चार्ज किया, पर वहां पर चार्जिंग नहीं हुआ। और अभी हम है मेम नगर, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम आया था कि ये जो चार्जिंग गन है वो हमारे स्कूटर में कैपेबल नहीं था। दूसरा एक स्कूटर था जो चार्ज हो रहा था, पर हमारे ये स्कूटर नहीं चार्ज हो रहा था। ये चार्जिंग गन है उससे अब चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो आपके 1-1 मिनट में 1-1% बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 70% बैटरी होगी चार्ज, वो 9:53 पर 70% चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों आप कभी भी आए तो साबरमती स्टेशन पे आपको ज़्यादा तक बंद ही रहता है, और मेम नगर जो चार्जिंग स्टेशन है वो चालू रहता है। तो पहले ट्राई करिए मेम नगर चार्जिंग स्टेशन पर, फिर बाद में अगर ना मिले तो और कोई चार्जिंग स्टेशन पर जाए। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी हमें, और काफ़ी जगह घूमने के बाद हम यहाँ पर आए। बीच में हमने हमारे एक रिलेटिव थे उनके वहाँ भी चार्ज किया, और उसके बाद यहाँ आए हैं।
तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। अरे रुको दोस्तों, दूसरे दिन हम वापस साबरमती चार्जिंग स्टेशन पर गए थे और वहां जाने के बाद हमें पता चला कि वहां पर ऑलरेडी 2 स्कूटर चार्ज हो रहे थे। ये चार्जिंग स्टेशन वही चार्जिंग स्टेशन है जहां हम पहले दिन गए थे और हमारा स्कूटर चार्ज नहीं हुआ था, पर इस बार हमने चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया हमारा स्कूटर तो वो चार्ज होने लगा। तो दोस्तों मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओला चार्जिंग स्टेशन की क्या कुछ कमियां है और क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मेन हाइपर चार्जिंग स्टेशन की 3 प्रॉब्लम है और पहली प्रॉब्लम है ओला का ऐप। ऐप में आपको दिखाई देता है कि ओला की चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर है, पर आप जब चार्जिंग स्टेशन देखते हो तो सभी चार्जिंग स्टेशन आपको एक जैसे दिखेंगे। कहाँ पर मेंटेनेंस पे है चार्जिंग स्टेशन, कौन सा चार्जिंग स्टेशन बंद है और कौन सा चालू है, वो आपको ऐप में नहीं दिखता। तो ये कुछ प्रॉब्लम है ओला ऐप में, तो इसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो है डिस्प्ले व्रॉन्ग। यानी कि आप जब चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हाइपर चार्जिंग ऑन, और आपको दिखाएगा कि आपका चार्जिंग कितनी देर में 70% तक चला जाएगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि अगर ओला का चार्जिंग स्टेशन बंद है तो भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि चार्जिंग इज ऑन और इतनी देर में 70% चार्ज होगा। तो वहाँ पर भी एक इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है कि हाइपर चार्जिंग स्टेशन ऑन है या ऑफ है वो दिखाई देना चाहिए। और ओला ने हाइपर चार्जिंग स्टेशन तो बड़े बड़े बना दिए, पर उसमें एक अगर डिस्प्ले हो जहाँ पर हमको दिखाई दे कि चार्जिंग स्टेशन ऑन है या मेंटेनेंस में है या बंद है। क्योंकि जब हम चार्जिंग स्टेशन पर गए थे और चार्ज किया हमने स्कूटर तो ऑन दिखा रहा था, और बाद में हमने 20 मिनट राह देखी तो भी हमारा स्कूटर चार्ज नहीं हुआ और 20 मिनट हमारी वेस्ट गए। तो दोस्तों ओला के चार्जिंग स्टेशन पर एक डिस्प्ले लगाना चाहिए जहां पर हमको इन्फॉर्मेशन मिले कि चार्जिंग स्टेशन ऑन है या ऑफ है या मेंटेनेंस में है। और ओला के स्कूटर के डिस्प्ले पर भी बताना चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन ऑन है या ऑफ है या मेंटेनेंस में है, तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है नंबर्स ऑफ चार्जिंग स्टेशन। ओला हमारे देश में सबसे ज़्यादा ईवी स्कूटर बेचने वाला कंपनी है, फिर भी उनके चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है और वो भी सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही है। पर ओला कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कि ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन वो अब इस साल लगाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपके पास कौन सा टू व्हीलर है, पेट्रोल या ईवी, और ईवी टू व्हीलर है तो आपने क्या कभी फास्ट चार्जिंग किया है। और दोस्तों शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन की रियलिटी, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें हमने ओला स्कूटर की रेंज टेस्ट की है।